अपने पास इतने ज्यादा वेपन्स नहीं है जितने उनपे बात कर रहा था कि मैं अपनी कार को वॉश नहीं करवाऊंगा, बट अभी फिलहाल मेरे को यहाँ पर कार वॉश की एक सेकंड, सॉरी, मेरे को यहाँ पर शॉप दिख गई है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार वॉश करवा ही लिया जाए। अभी फिलहाल यहाँ पर देखो उसकी मिनी कूपर कितनी बढ़िया लग रही है यार वॉश होने के बाद। भी फटाफट से अपनी गाड़ी यहाँ पर मैं अंदर लेकर चलता हूँ, मैं भी अपनी वॉश करवा लेता हूँ। काश यार इस टाइप के जो वॉशिंग वाली ये सब होते हैं इनको क्या कहते हैं पता नहीं यार, जो भी हैंड्स ऑन कार वॉश कहते हैं शायद से, अपने इंडिया में भी होते कितना ज्यादा बढ़िया होता। तो अभी फिलहाल देखो इसके अंदर कितना ज्यादा बढ़िया रहता है, बस हमें अपनी कार के जो विंडोज है उन्हें आराम से आगे लेकर जाना है। उसके बाद ये देखो अपने आप यहाँ पर ब्रश से पूरी की पूरी कार के अंदर जो भी मिट्टी वगैरह साफ होगी, मतलब 15 सेकंड के अंदर जो है कार वॉश हो जाती है। अगर किसी को भी अपना ऑफिस जाना हो तो आराम से पहले कार वॉश करवा लो और फुल एकदम, ये देखो यहाँ पर गीली भी होगी और अब सूखेगी भी है, क्या ही बढ़िया सिस्टम है यार। काश यार ये जल्दी से जल्दी दिल्ली में आ जाए, बाकी सिटीज का रहेगा। कौन कौन मेरी बात से एग्री है यार कमेंट में बताओ। तो चलो भी फिलहाल देखो क्या यार, मतलब 15 सेकंड में अपनी गाड़ी फुल एकदम चमकती धमकती बाहर आ चुकी है। बाकी यहाँ ये है कि इसके जो पीछे वाले डेंट है वो नहीं हटेंगे, क्योंकि यार उसके लिए बस बैनी को देनी पड़ेगी, वही रिपेयर करेगा। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा डगन बॉस के घर पर पहुंचने वाला हूँ, बस मुझे आगे वाले कट से लेफ्ट लेना है और उसका जो घर है आ जाएगा। बाकी यार देखो लेस्टर ने मुझे बोला था कि जब तक डगन बॉस अपने घर से चले नहीं जाता तब तक हमें उसके ऊपर अटैक नहीं करना है। मतलब यार देखो जहां पर उसे वो स्टैचू बेचने हैं, जहां पर वो एग्जीबिशन लगनी है दूसरी कंट्री में, वो वहां के लिए निकलेगा। अब पता नहीं कब निकलेगा, अभी सुबह निकलेगा, शाम को निकलेगा, रात को निकलेगा, कुछ नहीं आएगा। तो आधे से ज्यादा सिक्योरिटी उसके साथ जाएगी, घर में कम बंदे होंगे और यही सबसे बढ़िया मौका रहेगा। तो चलो यार फाइनली हम लोग डगन बॉस के घर पर पहुंच चुके हैं, बट यार एक सेकंड यहां पर कार घर के बाहर घूम रहे हैं, तो मेरे को सही नहीं लग रहा है इसके घर के आगे से गाड़ी ले जाना, क्योंकि यार फिर इनको उनको हमारे ऊपर सीधा शक हो सकता है। बाकी यार ये बंदा अंधा है क्या, एक तो खुद ही नहीं लाके गाड़ी ठोकी है और ऊपर से मेरे से ही लड़ने के लिए आ रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं बेमतलब की लड़ाई करना नहीं चाहता, लेकिन इस अंधों की तरह चला रहा है आराम से। मैं एकदम स्लो गाड़ी मोड़ रहा था लेकिन इसको समझ नहीं आ रही। अभी फिलहाल इसको मैं रोड पे ही मारता, बट डगन बॉस के जो बंदे हैं वो देख ना ले, साइड आ जा भाई, ड्राइवर गाड़ी में बैठ। अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को किसी दूसरे रास्ते से लेकर चलते हैं, हमें ना मतलब ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ से हम लोग पूरा देख लें कि डगन बॉस घर पर है या फिर नहीं है। और सीधी सी बात है अगर उसकी जो पर्सनल व्हीकल है वो घर पर होगी तो वो वहीं पर है, अगर वही गाड़ी घर पर नहीं है तो सीधी सी बात है वो अपने घर पर नहीं है। और उसकी गाड़ी तो भाई हर कोई अच्छे से पहचानता है, इतनी ज़्यादा तगड़ी गाड़ी लेकर घूम रहा है ना, टोयोटा लिमो है उसके पास भाई, बहुत तगड़ी कार है वो, पूरी उसके ऊपर मिनी गन लगी हुई है एक लिमोजिन के ऊपर, तो आप खुद सोच लो। तो चलो अभी फटाफट से अपनी गाड़ी वहाँ पर मैं लेफ्ट लेता हूँ। ये जो जगह है ना ऊपर जो छोटा सा माउंटेन है वो मेरे को थोड़ा बहुत सही लग रहा है, अगर मैं वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर जाऊँगा ना तो मेरे को ठीक ठाक व्यू मिल जाएगा, तो अभी फिलहाल एकदम आराम आराम से ले जाऊँगा। बाकी ये जगह भी ठीक है मेरे हिसाब से, अभी थोड़ी सी ना गाड़ी एक बार आगे लेकर चलता हूँ तो क्या पता वहाँ से मैं थोड़ा बहुत ठीक व्यू मिले। हाँ गाइस ये जगह ना एकदम परफेक्ट है, थोड़ी सी गाड़ी अपनी और आगे ले जाता हूँ एकदम आराम आराम से, कोई भी डरने की बात नहीं है। यहाँ पर घास फूस है तो सीधी सी बात है वो मेरे को नहीं देख पाएगा। ओके तो गाइस यार यहाँ पर तो काफी ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई है इसके घर के बाहर, जिसको मेरे को देख के ही काफी ज्यादा डर लग रहा है। मतलब यार देखो कितनी ज्यादा गाड़ियां हैं, उन सभी गाड़ी के ऊपर बंदे बैठे हुए हैं और सीधी सी बात है अगर बंदे बैठे है, वो हम मारेंगे भी अगर हम पंगे लेंगे। तो चलो यार अभी ना फिलहाल यही घास फूस में अपनी गाड़ी खड़ी करता हूँ ताकि कोई भी दूर से तो ना देख पाए। मोबाइल फोन निकालता हूँ और उसके कैमरा को ना खोल के चेक करता हूँ, अपना जो मोबाइल फोन का कैमरा बहुत ज्यादा जूम हो जाता है तो हम लोग अच्छे से देख सकते हैं एकदम जूम करके। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने मोबाइल का जो कैमरा है वो ऑन कर लिया है और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, एक तो ये प्लेन की आवाज कहाँ से आ रही है, ओ भाई साहब यहाँ पर कोई बंदा इतनी ज्यादा निचाई पर प्लेन उड़ाना है क्या बताऊँ। तो अभी फिलहाल यहाँ पर दोबारा से अपना कैमरा ऑन करते हैं और वो देखो यार सामने की तरफ में जो मेन गेट है वहाँ पर तो एक गाड़ी लगी हुई है और नीचे की तरफ में दो लीमो एक रोल्स रॉयस खड़ी है और उसके जितने भी गार्ड्स हैं ना गाइस वो रोड पर घूम रहे हैं। बाकी यार यहाँ पर पता नहीं यार क्या सीन चल रहा है, बट जो भी है इस टाइम पर ना इसके घर पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी आप लोग को दिख ही रहा होगा, तो अभी फिलहाल जाना बहुत ज्यादा बेकार है। और देखो जो उसकी गाड़ी है ना गाइस वो भी घर के बाहर ही खड़ी हुई है, यानी कि डगन बॉस अभी घर पर ही है और बाकी इतनी ज्यादा देख के डर लग रहा है। इधर भी गाड़ी लगा के गेट पूरा बंद कर रखा है और बंदे ही बंदे इधर है, तो जब तक ये जो गाड़ी ऐसे चले नहीं तब तक हम लोग अपना यहीं पर बैठते हैं, आराम से यहीं पर बैठ के अपना वेट करेंगे, जैसे ये जाएगी उसके बाद इसके घर में जाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल डगन बॉस के घर के बाहर बैठे बैठे सुबह से लेकर रात हो चुकी है, बट अभी तक कोई भी इनके घर से बाहर नहीं निकला है। बीच में लोगों ने एक बार अपनी गाड़ी तो निकाली थी बट उस टाइम
लाल जो इनकी गाड़ियां ना गाइस वो दोबारा से निकली है, साथ ही दो गाड़ियां तो बाहर आ गई है और जो तीसरी गाड़ी है जिसके अंदर डगन बॉस है वो गाड़ी भी यहां से जा रही है। और इस टाइम ना ये लोग अपनी गाड़ियां पता नहीं कहां पर लेकर जा रहे हैं, मुझे समझ तो नहीं आ रहा, बट ये जो रास्ता है ना गाइस एकदम अलग ही जा रहा है। मतलब क्या रोड देखो लेफ्ट साइड में जा रहा है हाईवे का, बट इस टाइम पर ना ये पता नहीं कहां पर जाने वाला है। अभी फिलहाल चार पांच गाड़ियां तो आगे की तरफ में चली गई और जो सबसे आगे गाड़ी जा रही है ना गाइस उसके अंदर काफी ज्यादा बंदे हैं और जो तीसरी गाड़ी है जिसके अंदर डगन बॉस खुद बैठा हुआ है उसके पास भी काफी ज्यादा, उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल ये लोग अपनी गाड़ी को ना इस रास्ते से घुमा कर ले गए हैं, अब ये पूरा ना घूम के वो देखो उधर से आने वाले हैं। तो बिना फिलहाल सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पर छुप जाते हैं, पहले देख लेते हैं कि आखिरकार इस गाड़ी में सच्ची में डगन बॉस है या फिर नहीं है। मतलब यार जिस रास्ते से ये लोग जा रहे हैं ना वो रास्ता घूम फिरा कर यहीं से निकलता है, तो बिना फिलहाल पहले इन लोग के आने का इंतजार करते हैं, बस ऐसा ना हो क्योंकि रात है थोड़ा बहुत अंधेरा भी है और वैसे सिक्योरिटी गार्ड तो इनके काफी ज्यादा हैं और पीछे से लग भी नहीं रहा कि कोई बंदा बैठा हुआ है। अभी फिलहाल ये देखो यहाँ पर इनकी गाड़ियां आ चुकी है, इस वाली गाड़ी के अंदर ओ ओ ओ हॉर्न किस लिए मार रहे है भाई साहब, फुल एकदम लिबर्टी लूप अंदर, वो देखो पीछे डगन बॉस बैठा हुआ था। तो यहाँ पर तीन गाड़ियां तो चली गई है, दो गाड़ियां बाकी कहाँ गई भाई एक सेकंड। तो चलो यार अभी ना फिलहाल वो जो दो गाड़ियां पीछे रह गई थी वो भी आ गई है, शायद से इनका ड्राइवर टॉयलेट करने के लिए उतर गया था, बट यार जो भी अभी फिलहाल इनको यहाँ पर आराम से जाने देते हैं। भाई गन वन देख रहे ऊपर कितनी तगड़ी लगा रखी है हर गाड़ियों के ऊपर। तो बिना फिलहाल यहाँ पर इसकी आधे से ज्यादा सिक्योरिटी तो इसके साथ जा चुकी है, अब बचा है इसका घर। तो बिना फिलहाल पहले इनको थोड़ा बहुत दूर निकलने जाने देते हैं, उसके बाद यहाँ पर अटैक करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से इन्हें कोई कॉल कर दे कि भाई घर पर अटैक हो गया और इस सारे के सारे घूम कर वापिस आ जाए। तो चल भाई ट्रेवर रेडी हो जाए, ट्रेवर भी अपना फुल यहां पर एकदम ध्यान से बैठकर घर पर देख रहा है कि कितने बंदे बचे हुए हैं। वैसे यार देखो घर की छत पर अभी भी काफी सारे बंदे खड़े हैं, तो घर के अंदर भी उसके डबल ट्रिपल बंदे ही होंगे, बट फिर उसका अटैक करेंगे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर डगन बॉस के जाने के बाद यहाँ पर मैंने 10-15 मिनट वेट कर लिया है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, इस गाड़ी में बैठकर निकल लेता हूँ सीधा डगन बॉस के घर पर अटैक करने के लिए। बाकी यार अभी ना मेरे को लेस्टर का कॉल आया था और वो कह रहा है कि जो भी काम है जल्दी से करो क्योंकि यहाँ पर जितना भी डेटा है वो हमें सारा इरेज कर रहा है, उसके बाद हमें डगन बॉस को भी रोकना है दूसरी कंट्री जाने से पहले और उसके पास जो स्टैचूज है वो हमें चुराने हैं। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ, फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी लाइट जला लेते हैं, काफी ज्यादा अंधेरा हो रहा है। गड़बड़ हो जाएगी और अगर साइड से ले जाऊंगा ना जो उसका पीछे वाला गेट है तो मेरे हिसाब से वो जगह ठीक रहेगी, वहां से हम लोग इजीली अंदर भी चले जाएंगे। तो चलो यार अभी ना जल्दी से अपनी गाड़ी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं और यहां से मैं अपनी गाड़ी को लेफ्ट मोड़ लेता हूं। और हाँ यार इधर ना देखो एक गाड़ी है जो कि डगन बॉस के ना चारों तरफ मतलब कॉन्टिन्यूसली घूमे जा रही है, पेट्रोलिंग कर रही है कि कोई बंदा यहाँ पर अंदर ना घुस जाए, बट हाँ उससे बच के मेरे को अंदर जाना है। तो फिलहाल ये जगह एकदम परफेक्ट है, उधर चारों तरफ ना बैरियर्स लगे हुए हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर इधर का मैं बैरियर तोड़ दूंगा ना तो ज़्यादा फर्क किसी को पता नहीं चलेगा। और अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं लाइट भी अपनी बंद कर लेता हूँ और अपनी गाड़ी को ना एकदम मैं साइलेंटली चलाने वाला हूँ। ये जगह गाइस मेरे को थोड़ी बहुत सही लग रही है क्योंकि यार देखो इसके ना छत पर भी बंदे बैठे हुए हैं घर की, तो सीधी सी बात है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी को यहीं पर एकदम चुपचाप से खड़ा करके इसे ऑफ कर देता हूँ और अभी ना फिलहाल मेरे हिसाब से डगन बॉस के घर के अंदर मुझे अकेले जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यार ये जो काम है ना मुझे एकदम चुपचाप से करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि जब मैं इसके घर के ऊपर अटैक वो डगन बॉस को इन्फॉर्मेशन ना पहुंचा दे, अगर उन्होंने पहुंचा दी तो सारा काम खराब हो जाएगा। और बाकी तो आप लोग यहां पर के ऊपर हर गेट के बाहर दो दो सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं। तो चल भाई ट्रेवर तू बाहर ही रुक, वैसे ट्रेवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर क्योंकि अगर जब भागना होगा ना वो सारा डाटा इरेज करके तो हम लोग यहां पर लड़ेंगे नहीं सीधा भागेंगे क्योंकि डगन बॉस को भी रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर मैं यहां पर लड़ने लग गया तो सारा काम खराब हो जाएगा। अभी फिलहाल यहां पर चुपचाप से बैठ जाता हूं, बाकी ट्रेवर तू गाड़ी पे जा। तो चलो गाइस गाड़ी और गन्स दोनों पूरी रेडी रहनी चाहिए। तो चलो यार अभी ना चुपचाप से हम लोग एकदम आगे चलते हैं, अभी फिलहाल मामला एकदम ठीक लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी भी बंदे ने मुझे देखा है, बट अगर मैं यहाँ से आगे जाऊँगा तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। मतलब कि यार देखो जितने गेट हैं उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यार देखो अभी ना फिलहाल बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना मेरे हिसाब से, यार अब ना मुझे आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि जो बंदा ऊपर खड़ा हुआ था ना वो भी अभी फिलहाल उस गाइस यार यहाँ पर ना चुपचाप से नीचे झुकता हूँ और जल्दी से भागकर मैं इधर छुप जाता हूँ। चलो भाई अभी फिलहाल मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और अभी भी मेरे को किसी ने नहीं देखा और अभी अच्छी बात तो यह है कि यहाँ की जो वॉल है ना गाइस वो थोड़ी बहुत बड़ी है ऊंची है, तो सीधी सी बात है मुझे कोई भी नहीं देख पाया।
यार यहाँ की जो बोला है तो कुछ ज्यादा ही ऊंची होगी है, अंदर जाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बट यहाँ पर एक टायर रखा है तो क्यों ना मैं इसके ऊपर चढ़ूं। और बाकी ओ ओ ओ यहाँ पर थोड़ी सी हाइट कम पड़ जाएगी, और टायर नहीं, नीचे नहीं गिरना, नीचे नहीं गिरना, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर ले भाई साहब मेरे को उठा के सारे रखने पड़ेंगे, वैसे हाँ अगर एकदम प्रॉपरली रख दूंगा तो अपना काम आसानी से हो जाएगा। तो चलो गाइस सर अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने जैसे तैसे करके सारे के सारे टायर को एक के ऊपर एक रख दिया है, तो अभी ना जल्दी से एक जंप मार के इसके ऊपर चढ़ते हैं। बाकी यार देखो जो ये वाला गेट है ना यहाँ पर बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो वॉल है लंबी है तो इनकी सिक्योरिटी गार्ड को लगा होगा इधर से कोई भी नहीं आ पाएगा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, इनकी गलत फहमी मैं आज दूर कर देता हूं। तो अभी फिलहाल यहां पर तो मैं आ चुका हूं, बाकी अगर मैं उस साइड जाऊंगा ना तो सीधी सी बात है अभी जिंदा नहीं बचूंगा मैं, क्योंकि यार बाहर की तरफ में काफी सारे बंदे हैं और इधर भी कुछ बंदे बैठे हुए हैं, और कुछ सिक्योरिटी गार्ड ना इसके घर के अंदर भी राउंड लगा रहे हैं, वो भी इतनी ज्यादा रात को। मतलब यार जो सिक्योरिटी है बहुत ज्यादा है, और एक गार्ड नहीं है दो तीन गार्ड है, दो तो मेरे को नजर आ गए, बट हाँ यार इतना बड़ा घर है तो सीधी सी बात है हर साइड पर गार्ड्स ही गार्ड्स होंगे। और इस उत्तरी की भाई साहब यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, मुझे ना चुपचाप से अंदर जाना पड़ेगा। इधर कुछ बंदे बैठे हैं जो कि अपना सर्दियों में बैठ के हाथ सेक रहे हैं, तो यहाँ पर आकर चुपचाप बैठ जाता हूँ। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पर जो लेडी बैठी है ना इसने मेरे को देख लिया, नहीं इसने मेरे को नहीं देखा, ये उनसे बात कर रही है भी। चुपचाप से ना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओके यहाँ पर ये आपस में लड़ रहे हैं पता नहीं किसी बात को लेकर। ओके तो इतनी रात को बियर वियर पियोगे तो कहाँ ही होश रहेगा। तो चलो अभी फिलहाल उससे बचकर थोड़ा बहुत आगे बढ़ना है, वो ना पूरे के पूरे इस घर में राउंड लगा रहा है। अभी फिलहाल वो चलकर इधर की तरफ में आ गया है, पहले ना उसको यहाँ पर आ जाने देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ अगर मैं रहूंगा ना तो किसी ना किसी को तो दिख ही जाऊंगा। अभी फिलहाल वो देखो वो ना फोन पर कमांड वमांड भी साथ के साथ दिए जा रहा है, अभी फिलहाल ढंग से तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ओके तो यहाँ पर अभी फिलहाल वो भाग कर इधर आ रहा है, इधर मत आइयो प्लीज, इधर मत आइयो, अगर ये इधर आ गया ना तो गाइस सारा काम खराब हो जाए। ओके 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 अभी फिलहाल ये यहाँ की तरफ में आया तो था और यहाँ के ना गाइस ये घूम गया है, तो अभी ना चुपचाप हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बार ना चुपचाप से मैं बैठ जाता हूँ, बस अभी फिलहाल मैं थोड़ा बहुत सेफ हूँ। और ये जो गार्ड है गाइस घूम के इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है, भाई रुक जाओ रुक जाओ। तो गेम को पता है क्या लग रहा है कि इसकी ड्यूटी क्या है, पूरे के पूरे सर्कल में ना राउंड लगाना है, अगर ये इधर मेरे को देख लेगा ना तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये अपना उधर फोन पे बात करने में मस्त हो रखा है, और मैं भाग कर इधर आ गया हूँ। अभी जल्दी से ना गाइस मैं इधर आके कहीं पर छुप जाता हूँ, ये जगह मेरे को थोड़ी बहुत सेफ लग रही है, बट उधर की तरफ में जो गार्ड है ना वो मेरे को देख सकता है। अभी यहाँ पर भाई मेरे को कोई भी नहीं देख पाएगा, मतलब यार क्या ही पागल बनाया मैंने इन लोग को। बट हाँ यार थोड़ा बहुत रिस्क है, ये इधर आ रहा, चल के रुक जाओ रुक जाओ, भाई दोनों ही आ गए अभी तो। ओके तो ये वाला तो चलो चला गया। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल मेरे हिसाब से आगे का यही सबसे बढ़िया मौका है, मतलब कि यार देखो ये वाला जो बॉडीगार्ड है ना ये क्या कर रहा है, स्टेबल के चारों तरफ राउंड लगा रहा है, और कभी कभार के लिए ना थोड़ा सा और भी आगे चले जाता है चेक करने के लिए। तो जब ये आगे जाएगा ना तो हम यहां से आगे बढ़ेंगे, सीधा जाएंगे किचन में, और किचन में जो फ्रिज है वो जाता है सीधा डगन बोस के घर के बेसमेंट में, जहां पर उसने ट्रेवर माइकल फ्रैंकलिन तीनों की फैमिली को किडनैप करके रखा था। तो यार देखो अभी फिलहाल ये वाला जो बॉडीगार्ड है ये इधर चला गया, और ये भाग के इस साइड पर आ यहाँ से आगे जाने का, तो वो फिलहाल अपना उधर चला गया। और यहाँ पर कुछ बंदे बैठे हैं, तो एक काम करता हूँ मैं भाग कर सीधा अंदर घुस जाता हूँ, इनको यार इतना कुछ पता वता नहीं चलेगा। अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग यहाँ पर उतर कर चलते हैं नीचे। बाकी यार अभी ना फिलहाल के लिए मैं अपने हाथ में नाइफ निकाल लेता हूँ, ताकि आगे चलकर कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड हो तो मैं सीधा उसके जो नाइफ है ना पेट में घुसेड़ दूंगा। तो यार देखो यही है वो रूम जिसके अंदर इसने भाई हम तीनों की फैमिली को जो है किडनैप करके रखा हुआ था। तो अभी फिलहाल अंदर चलता हूं। ओ भाई साहब यहाँ पर तो कुछ डॉग्स हैं जो कि सीधा मेरे को काटने के लिए आ रहे हैं। नहीं 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 प्लीज 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 मारने के लिए आ जाएंगे। बाकी अभी फिलहाल ये तो एकदम पागल ही हो गया, मेरे को ढूंढ रहा है, इसको मालूम है मैं इधर हूं, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ गाइस डंडा निकाल के ना इसके सर पे मार दूं, ये थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएगा। वैसे मेरा मारने का मन, ओ भाई साहब ये तो बेहोश कर दिया है। अभी मैं अंदर वाले रूम में नहीं जाने वाला, जो अंदर वाला डॉग है गाइस वो भौंकने लग गया है, तो जरूर आएगा मेरे को ऐसा लग रहा है, बट प्लीज यार मत आना। अभी ना फिलहाल जो मेरा मास्क है वो भी इस डॉग ने गिरा दिया, यार बिल्कुल मेरे को बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है उसको मार के। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते, ओ भाई साहब यहाँ पर भी एक बंदा तेरी ऐसी तरह से निकल यहाँ से, इसके भी गाइस मैंने रख के एकदम चाकू जो है बजा दिया है। अच्छा हुआ कि जो ऊपर वाले गार्ड है ना उनको पता नहीं चला, तो अभी फिलहाल इसको भी मैंने मार दिया। बाकी यार देखो अच्छी बात तो ये है कि ये जो डेटा सर्वर है यहीं पर पड़ा है, पूरा सर्वर ऑफ पड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है इसके अंदर डेटा नहीं होगा। बाकी यार ये देखो ये क्या हिसाब है, पैसे धोता कौन है मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है। और बाकी तो यार यहाँ पर देखो इस कंप्यूटर के अंदर क्या क्या सीन चल रहा है। तो अभी ना फिलहाल एक काम करता हूँ, इस कंप्यूटर को मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। फिलहाल डिस्ट्रॉय
से यही हथियार है। बाकी यार इसको डिस्ट्रॉय करूं या ना करूं मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये कंप्यूटर उस चीज का नहीं है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। बट यार अभी ना फिलहाल मेरे को एक बार ही ना सामने वाले रूम में जाना पड़ेगा, क्योंकि यार मुझे ना अपना मास्क लेना है, और जहां तक मुझे लग रहा है डॉग्स अभी भी वहीं पर। ओ भाई साहब गिरा दिया भाई, प्लीज काट मत यार, अब उठने तो दे भाई एक मिनट यार इसको। गाइस अभी ना मेरे को बेहोश करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने हल्ला मचा दिया ना तो ऊपर के जो गार्ड्स हैं वो सीधा मेरे को मारने के लिए आने वाले। प्लीज 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 आराम से शांत तेरे को चिकन तेरी भैंस की निकल यहां से, इसको भी बेहोश करना पड़ेगा भाई। जान कितनी ज्यादा यार रॉड पीला रही है। प्लीज 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 मैं बेहोश करूंगा, बस मारूंगा नहीं, मारना होता तो अभी फिलहाल मैं चक्कू इसको मार देता, बट नहीं यार मैं इन डॉग्स को नहीं मारना चाहता, इनकी कोई भी गलती नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि यार एक ना गैस स्मोक डाल के मैं इसे बेहोश कर दूं। प्लीज 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 ये गेट नहीं खोल पा रहा, बाहर ये आ चुका है। बाकी यार तू कुछ नहीं कहेगा, ये डॉग बड़ा शांत है, बहुत प्यारा है, तेरे को घर लेकर चलूंगा, ढेर सारा खाना। अबे भाई साहब ये डॉग्स ये डगन के हैं, ये मेरे नहीं होने वाले। अभी फिलहाल यहां से निकलो, मेरा मास्क यहीं पर गिरा था, अच्छा वो पीछे चला गया शर्ट यार, उसको उठाना पड़ेगा। बाकी प्लीज अभी फिलहाल मैं इसको बेहोश करना पड़ रहा है भाई, वरना सारा काम अपना खराब हो जाएगा। बाकी यार देखो ये वाला डेटा सर्वर तो पूरा बंद पड़ा है, तो सीधी सी बात है इसके अंदर कुछ नहीं है, हमें कोई और सर्वर ढूंढना पड़ेगा भाई। तो हाँ गाइस यार अभी ना मुझे एक चीज याद आई, जहां पर हमने डगन बोस को वो स्टैचूज दिखाए थे वहां पर भी उसका एक कंप्यूटर है, तो क्या पता जो डेटा सर्वर है वो वहां पर हो। तो भी ना जल्दी से हम लोग वहां पर चलने की कोशिश करते हैं। बाकी यार देखो बिना फिलहाल ये वाला जो फ्रिज का गेट है ना, मुझे बहुत ज्यादा आराम से सोच समझ के खोलना पड़ेगा। बाकी यार एक सेकंड में अपना मास्क फिर से लाना भूल गया, जल्दी से चल के ना गाइस वो उठाता हूं। बाकी यार देखो मेरे पास ना यहाँ पर एक मास्क तो पड़ा हुआ है, मैं एक मिनट इन्वेंटरी में मेरे पड़ा होगा एक आध मास्क, तो वही पहन लेते अभी फिलहाल के लिए, ये सस्ता वाला है, इससे अपना काम चल जाएगा। अगर वो वाला लेने जाऊंगा तो जो डॉग्स हैं उनको मैंने मारा नहीं है, वो बस गिरे हुए, अभी जाकर देखो, वो देखो जिंदा है, अभी मेरे को दिखा था शायद वो ओके, तो बेचारा ये वाला तो बेहोश पड़ा हुआ है, बट हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है अंदर एक ना एक डॉग अभी जिंदा है। तो मैं बेमतलब मैं पंगे क्यों लेने जा रहा हूँ भाई, अभी बेमतलब काट लेंगे, रोटविलर ने वैसे भी एक बार काट ही लिया पैर में, तो अभी चुपचाप से ऊपर चलते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर हमें जाना है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो मैं गेट खोल दूंगा एक बार आराम से, आधा गेट खोल के देखता हूँ, तो ओके यहाँ पर उनको कोई भी नजर नहीं आ रहा। अब एक बार ये वाला गेट खोल कर देखते हैं, तो ओके गाइस मामला बिल्कुल एकदम शांत है। अभी जल्दी से चल करना गाइस यार, मैं इस तरफ में छुप जाता हूँ। अब ना मेरे को देखो यार यहाँ से ऊपर जाना है, इस तरफ में जो बंदे थे अच्छा हुआ कि वो भी अपना खाना पीना खाकर यहाँ से जा चुके हैं। तो अभी ना गाइस जल्दी से मैं ऊपर चलने की कोशिश करता हूँ, पहले यहाँ पर छुपते हैं। जो इधर गार्ड राउंड लगा रहा था वो कहाँ चला गया? ओके उधर वाला गार्ड गार्ड भी यहीं पर है। तो भी जल्दी से मेरे को यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ना है और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए छुपता हूँ। इस तरफ में भी एक गेट जा रहा है, बाकी यार मेरे को उसके यहाँ पर नहीं जाना, ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है। तो ये वाली जो स्टेयर्स है बिल्कुल खाली पड़ी है, तो चलो यार अभी ना चुपचाप से हम लोग यहाँ पर ऊपर चलते हैं और अभी फटाफट से ना ये वाला गेट मेरे को खोलना है। हो सकता है अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, बट कोई नहीं, अपना नाइफ रेडी रखते हैं। तो चलो यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने हाथ में नाइफ निकाल लिया है, तो चलो यार अभी ना जल्दी से चलते हैं हम लोग सीधा अंदर वाले रूम में। बाकी तो यार देखो मेरे को ना यहाँ पर याद नहीं आ रहा कि आखिरकार कौन सा रूम है जो कि डगन के ऑफिस में लेकर जाता है, तो जहां तक मुझे लग रहा है ये वाला रूम था शायद से। तो जल्दी से अंदर चलते हैं। बाकी यार यहाँ पर तो दो गार्ड खड़े हैं, तो तू तो बेटा निकल यहाँ से। बाकी बेचारे यहाँ पर फुल एकदम नशे में बैठे हुए ड्रिंक व्रिंक करके, मतलब बार खोल रखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम ही पियोगे। अभी फिलहाल यहाँ पर अच्छी बात तो यह कि मैंने दोनों को बेहोश कर दिया है, अभी इनकी बॉडी ठिकाने लगाऊं या ना लगाऊं मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। छोड़ो यार अभी ना फिलहाल के लिए इन लोग को ऐसे ही पड़े रहने दो, क्योंकि अगर मैं अभी इनकी बॉडी ठिकाने लगाने में लगूंगा तो सीधी सी बात है मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बाकी आगे की तरफ में एक बंदा और है, इसको भी मारना बहुत ज्यादा जाए। इसी तरीके से इन लोग का खेल खत्म करेंगे ना तो ही बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी फिलहाल इसको मार भी दिया, अच्छी बात तो यह है कि इसकी बॉडी भी नीचे नहीं गिरी, वरना खराब हो जाता। तो बिना फटाफट से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। मैं गलत रूम में आ गया था, ये वो वाला रूम नहीं है जिसके अंदर डगन बॉस रहता, मतलब जिसके अंदर डगन बॉस का ऑफिस है। तो वो जो रूम है गाइस यार मेरे हिसाब से ये तो शायद से वो वाला रूम है जहां से मैं अंदर आया हूँ, पता नहीं यार, एक बार थोड़ा सा गेट खोल के मैं देख लेता हूँ। तो ओके ये वाला रूम है जहां से मैं अंदर आया हूँ, चारों तरफ मतलब अगर आप देखोगे ना एकदम सेम बना रखा है, तो कुछ भी समझ नहीं आता। फटाफट से हम लोग अंदर वाले रूम में चलते हैं। बाकी यार यहाँ पर ओके यहाँ पर दो बंदे बैठे हैं, तुम लोग कौन हो बे? एक सेकंड, ये लोग मेरे से डर रहे हैं। तुम आज पुष्पा दीदी नहीं आएगी। बेबी ये मैं कर लेता हूँ। तो फिर मैं ड्रीम 11 पे टीम बना लेती हूँ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ड्रीम 11, मेक योर टीम नाउ। तुम हो कौन पहले तो ये बताओ। अभी फिलहाल मैं इनको मारना नहीं चाह रहा हूँ, अबे चिल्लाओ मत हेल्प अभी, वरना मैं ही मारूंगा। बाकी जो रूम है ना गाइस यार ये मेरे को डगन बॉस का ही लग रहा है। बाकी यार कितना ज्यादा सिमिलर है ये अपने घर से, मतलब यार देखो जो कपड़े बदलने का एरिया है वो भी वैसा का वैसा ही है, और जो अंदर वाला रूम है ये रूम ओके तो ये बाथरूम है। देखो यार बाथरूम
वैसा ही है अभी फिलहाल। यार मेरे हिसाब से ना मुझे इन लोग को भी मार देना चाहिए, मतलब मारूंगा नहीं इनको, मैं बेहोश कर देता हूँ। तो कोई नॉर्मल सा वेपन निकालता है ये बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि यार कुछ पता नहीं है ये लोग कब किसको बता दें। तो वैसे निकलो यहाँ से फटाफट से, धीरे धीरे मारूंगा दोनों के। ओ लगी नहीं तेरे। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर इन दोनों लोग को मैंने गोल्फ क्लब मार के बेहोश कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि इनको होश आ जाए, इसलिए यहाँ पर मैंने एक एक रोड इन्हें और मार दिया, क्योंकि अगर इनको होश आ गया ना तो सारा खराब हो जाएगा। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल यहाँ पर मैंने तीनों रूम चेक कर लिए हैं, बस अब एक ये वाला रूम रह रहा है। तो चलो यार जल्दी से ना इसके अंदर चलते हैं, और जहां तक मुझे लग रहा है इसके अंदर सिक्योरिटी भी जरूर होगी। तो जल्दी से अंदर चलते हैं यहाँ पर। यार इसका ओके, तो यहाँ पर इसका मैनेजर बैठा हुआ है, चुपचाप से हैंड्स अप कर ले, क्योंकि हम लोग तेरे को यहाँ से जिंदा पकड़ कर लेना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा। ओ एक सेकंड, यहाँ पर इसको मैं जितनी ज्यादा प्यार से बात कर रहा हूँ इसे उतनी समझ नहीं आ रही। चुपचाप, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आराम से मेरे साथ चल लियो। अगर अब लग गई ना बेटा भूत बना दूंगा, सही बता रहा हूँ, आराम से ठीक है। इसकी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से भाई साहब, अभी भी नहीं समझ आ रही इसको। अभी फिलहाल एक ही रोड हमारी है, मरा तो नहीं होगा जहां तक लगता है, बट कस के पड़ी है पीठ पे, खूनम खून हो गया। चलो कोई नहीं, अपना मास्क उठाकर मैं पहन लूं सबसे पहले। तो अभी फिलहाल ये रहा मास्क, इसको जल्दी से हम लोग लगाते हैं, क्योंकि यार अगर